पूज्य गुरुदेव श्री राकेश भाई जी, गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी और इस सभागार में उपस्थित आप सभी सम्माननीय भाइयों और बहनों, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैंने लंबे अरसे के बाद एक बहुत ही प्रभावशाली, मन पर गहरा असर डालने वाला भारत भाग्य विधाता नाम का नाटक देखा है। गांधी जी का जन्म 150 वर्ष पूर्व हुआ और वे आज से 71 वर्ष पूर्व हमको छोड़कर चले गए। देश में और दुनिया में इस बात पर अक्सर बहस चला करती है कि क्या आज गांधी प्रासंगिक हैं या नहीं है। दुनिया का हर विचारशील व्यक्ति यह अनुभव करता है कि गांधी जी अपने समय में जितने प्रासंगिक थे उससे कहीं ज्यादा गांधी जी आज प्रासंगिक हैं। गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में होना चाहिए। गांधी जी के चिंतन में सबसे अधिक महत्व इस बात का था कि हर आचरण को धर्म और नीति की कसौटी पर कसा जाए। गांधी जी ने राजनीति को एक नए सांचे में ढाला था। गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम ये संकल्प कर सकते हैं कि हम गांधी जी के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। यह संकल्प हमारे भीतर जगाने का प्रयास भारत भाग्य विधाता नाटक ने किया है और प्रभावी तरीके से यह कार्य किया है। बहुत अभिनंदन देता हूँ, धन्यवाद।